कुछ है। सर आप अभी अंदर से बाहर आए हैं तो आपको अंदर क्या मतलब पूरी वोटिंग वगैरह सब फाइनल हो गई है? मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है अभी उसके हिसाब से इम्तियाज अलीन ये 3 से 3,500 वोट से चुन के आए हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही ऑफिशियल रिजल्ट बाहर आए। कम अगेन विद दैट स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि 3,500 वोट से इम्तियाज अलीन चुन के आए हैं। अभी आपको ऑफिशियल जो रिपोर्ट है वो आने वाले 15-20 मिनट में आपको मिल जाएगी। सभी आपके ऊपर अब इल्जाम लगाया जाएगा या फिर लगेगा कि आपकी वजह से खैरे साहब गिरे हैं? बिल्कुल नहीं, ये पूरी गलत बात है। मेरी वजह से खैरे साहब नहीं गिरे हैं, पूरी तरह से जनता का निर्णय है, जनता ने वोट किया है और जनता को हक है कि वो किस हिसाब से वोट करे, वो हक किसी को दे नहीं सकती जनता ने जो निर्णय लिया है वो सही है। ये औरंगाबाद के इतिहास में शायद पहली बार हुआ है कि कोई अपक्ष कैंडिडेट इतने ज्यादा वोट लेता है, आप अपने वोट्स के बारे में क्या कहेंगे? मैं अपने वोटर्स के तहत उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि इतना वोट मिलना, 2,70,000 तकरीबन इंडिपेंडेंट बंदे को वोट मिलना वो भी 6 महीने के अंतर में, ये मामूली बात बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जितना भी मेरे वोटर्स के लिए कर सकूँ आने वाले टाइम में वो कम ही रहेगा। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे रहा है, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सर आने वाले कल में आप अपने पक्ष से यहाँ विधानसभा उम्मीदवार खड़े करने वाले हो? यस, मैं विधानसभा का उम्मीदवार मैं कन्नड़ में खड़ा करूंगा और जहाँ जहाँ मुझे महाराष्ट्र में जगह मिली, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मेरे पास अच्छे कैंडिडेट्स हैं, मैं वहाँ पर भी मेरे पक्ष के तरफ से कैंडिडेट्स जरूर खड़ा। तुम्ही कन्नड़ मधून आता उभे राहणार का? 100% मी उभा राहणार आणि बाकीचे जिथून वैजापूर आणि गंगापूर तुम्हाला लीड, मला चांगला उमेदवार जिथे मिळेल तिथे मी निश्चितपणाने उमेदवारी देणार माझ्या पक्षाला।